प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरण सर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 एट्थ क्लास संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, इसका जो फर्स्ट पार्ट है संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि रेशे क्या होते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, या इन्हें हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। बहुत शॉर्ट में अपन इस पर बात करेंगे क्योंकि आप ये पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक रेशे हमें प्रकृति में पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें फिर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। पौधों से हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं वह कपास, जूट, और जंतुओं से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वे रेशम, ये रेशम कीट से प्राप्त होता है, और ऊन जो है ये हमें भेड़ से या अन्य जो बालधारी जानवर होते हैं, ऊंट है, भेड़ है, उनसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक रेशे हमें सजीवों से, उसमें भी पौधे और जंतुओं से अलग अलग, जो पौधों से प्राप्त होते हैं वे वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कपास, जूट, मूंज। इसी तरह जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं वे जांतव रेशे कहलाते हैं, जैसे रेशम, रेशम हमें एक कीट होता है उससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से, और ऊन हमें ऊँट से और भेड़ से और अन्य जो जानवर होते हैं, भालू वगैरह से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम रेशे हैं, इन्हें हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे रसायनों के द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं और मनुष्य द्वारा निर्मित होने के कारण इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो संश्लेषित रेशे पर ही है, इसी पर हम बात करेंगे संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे एक्चुअल में बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होता है कि जब रसायनों की जो अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो संश्लेषित रेशे एक प्रकार का बहुलक है। इसे आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे माला होती है, माला में छोटे 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 मोती होते हैं, एक लड़ में जुड़ जाते हैं तो एक लंबी चेन बन जाती है, तो उससे क्या होता है, एक माला प्राप्त होती है। इसी प्रकार छोटे 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 अणुओं के आपस में जुड़ जाने से बड़े अणु बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। संश्लेषित रेशे के इस चैप्टर में हम बात करेंगे रेशे रेयॉन की, नायलॉन की, एक्रिलिक की, और पॉलिएस्टर की। चार बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि ये रेशम के जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। इसमें रेशम जैसे ही गुण पाए जाते हैं। रेयॉन बनाने के लिए हमें किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्या प्रोसेस है, छोटी सी हम इसको देखते हैं। प्रकृति से प्राप्त एक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज से इसे प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज क्या है, लकड़ी से प्राप्त होने वाला लुगदी जैसा एक पदार्थ है सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हमें रेयॉन प्राप्त होता है। क्या किया जाता है कि सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से साफ किया जाता है, फिर जो विलयन प्राप्त होता है इस विलयन को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में मिलाया जाता है, जिससे एक पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। ये विस्कोस को ठंडा करके फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसके विलयन में
इस विस्कोस के बारीक बारीक रेशे प्रवाहित किए जाते हैं, वो रेशे ही जो है बाद में क्या बन जाते हैं, रेयन बनाते हैं, और इन रेशों को बुनकर फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, आप देख रहे हैं ये मेरे पास रुई है, कॉटन कहते हैं इसे हम, ये कपास के पेड़ पर इस प्रकार हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इन रेशों को ऐसे बुनकर इस तरह से धागे प्राप्त किए जाते हैं, ये धागा प्राप्त हो गया, और धागों को आड़े तिरछे बुनकर फिर उनसे वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। यानी रेशा सबसे छोटी इकाई है, तंतु उससे भी छोटी इकाई है, तंतु से रेशा बनता है, रेशे से आप देख रहे हैं इस प्रकार ये जो धागा बना हुआ है इस तरह धागा बनता है, और धागों को फिर आप देखें ऐसे खड़े धागे और इस तरह आड़े धागे, इनको आपस में जोड़कर फिर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। तो इस प्रकार तंतु से रेशा, रेशे से धागा और धागे से वस्त्र बनता है। तो आपने देखा कि रेयन के जो रेशे प्राप्त हुए थे उन रेशों से फिर धागे बनाए जाएंगे और धागों से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो रेयन जो है प्रमुख रूप से कपड़े बनाने में, वस्त्र बनाने में काम आता है। दूसरा जो हमारा संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन कैसे बनाया जाता है, दो पदार्थ हैं एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनसे हमें नायलॉन प्राप्त होता है, इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और इससे हमें नायलॉन प्राप्त होता है। नायलॉन की विशेषता क्या है कि नायलॉन बहुत प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, इसको खींचा भी जा सकता है और बहुत मजबूत होता है। इसका उपयोग, नायलॉन के इस गुण का उपयोग पैराशूट जो होता है जिसमें बैठकर गर्म गैस के गुब्बारे जिसको हम कहते हैं उसमें बैठकर उड़ने में, पैराशूट में और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ तक कि नायलॉन के जो रस्से होते हैं वो इस्पात से भी ज़्यादा शक्तिशाली, मजबूत होते हैं, इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है उसके अंदर जो रस्सों से बांधने का जो काम किया जाता है नायलॉन से किया जाता है, और क्रेन में लगाकर बेल्ट जो लगती है जिससे कई टन का वजन उठाया जा सकता है, वे बेल्ट भी किसके होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। इसके अलावा नायलॉन और भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक झावा है, इसी तरह टूथ ब्रश जो होता है उसके जो ये रेशे हैं ये भी नायलॉन के बने होते हैं, ये कपड़े धोने का ब्रश है ये भी जो है नायलॉन के बने होते हैं। तो नायलॉन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसकी जो क्षमता है इसकी कारण देखिए नायलॉन के टायर भी बनते हैं, और नायलॉन की जो चप्पल और जूते होते हैं उसके सोल भी जो है नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन बहुत ही मजबूत रेशा है और रंगीन है, चमकदार होता है, इसलिए नायलॉन बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगला जो है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही आसान होता है उपयोग में, इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती है और चमक रहती है इसकी। सूती कपड़े में जैसे होते सल पड़ जाते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़े में सल नहीं पड़ते हैं। इसके एग्जांपल हैं, एक तो ये है कि पीईटी क्या है, पीईटी क्या है, पॉलीएथिलीन टर्थैलेट है। इसका उपयोग जो है आपने देखा होगा पैट बॉटल बोलते हैं, पैट बॉटल क्या है, इसका उपयोग बॉटल बनाने में और अन्य जो वस्तुएं हैं उसको बनाने में किया जाता है। तो हमने जाना कि जो पॉलिएस्टर में से एक प्रकार का पॉलिएस्टर है पीईटी, पॉलीएथिलीन टर्थैलेट, इसका उपयोग फिल्म बनाने में और बॉटल बनाने में और विभिन्न प्लास्टिक के जो विभिन्न जो बर्तन है वो बनाने में किया जाता है। साथ ही एक और पॉलिएस्टर है टेरिलीन। टेरिलीन एक प्रकार का वस्त्र के लिए काम में लिए जाने वाला कपड़ा है, यह इसकी विशेषता ये है कि इसके महीन रेशे होते हैं, इसका कपड़ा काफ़ी सुंदर होता है और आकर्षक होता है।
इसके बाद चौथे नंबर पे हम बात करते हैं एक्रेलिक की। एक्रेलिक क्या है? आपने देखा होगा कि कई वस्त्र ऐसे होते हैं जो ऊन के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वे ऊनी नहीं होते हैं, यानी ऊन के बने हुए नहीं होते हैं। वे किसके बने होते हैं? वे एक्रेलिक के बने होते हैं, और इससे ऊनी वस्त्र विभिन्न प्रकार के तैयार किए जाते हैं। कंबल इससे बनाए जाते हैं, और यह भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा ही है। तो इस प्रकार हमने चार संश्लेषित रेशों के बारे में बात की, रेयॉन, नाइलॉन और एक्रिलिक और पॉलिएस्टर के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि संश्लेषित रेशे किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्यों इनका उपयोग बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो है ये है कि ये सस्ते होते हैं, यानी कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशों की तुलना में अब सस्ते होते हैं। दूसरा, इनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है, उत्पादन अधिक सरल होता है, अधिक होता है सरल भी होता है। बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए ये जो कृत्रिम या संश्लेषित रेशे होते हैं इनके द्वारा बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है, और अधिक मात्रा में उत्पादन करके आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तीसरा ये है कि ये चमकदार होते हैं, इनमें सल नहीं पड़ते, मजबूत होते हैं, आकर्षक होते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि ये विभिन्न सांचों में डालकर, विभिन्न जैसे टायर की हम बात कर रहे हैं, ब्रश की बात कर रहे हैं, तो इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आसानी से बनाई जा सकती है। प्रेस करने की ज़्यादा इनको आवश्यकता नहीं होती है, यानी बार बार इनको इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती, इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस प्रकार जो है संश्लेषित रेशे हैं वे इन सब गुणों के कारण बहुत अधिक उपयोग में आते हैं। कुछ इनकी हानियाँ भी हैं, कुछ इनके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ इनकी कमियां हैं। वे कमियां क्या हैं कि ये पसीने को नहीं सोखते हैं। जैसे सूती कपड़ा होता है तो ये क्या होता है, त्वचा पर आने वाले पसीने को लगातार सोखता रहता है, इसलिए वो ठंडा भी लगता है। लेकिन कृत्रिम रेशे जो होते हैं उनमें ये गुण नहीं होता, इसलिए कृत्रिम रेशे पसीने को नहीं सोखते और गर्म होते हैं। तथा गर्म होते हैं। दूसरी इनकी जो कमी है वो ये है कि कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये आग जल्दी पकड़ते हैं। तीसरी बात है, आग लगने पर ये त्वचा पर चिपक जाते हैं, यानी त्वचा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सूती वस्त्र की तुलना में। त्वचा पर चिपक जाते हैं, जलने पर त्वचा पर चिपक जाते हैं। झुलसा देते हैं उसको। एक पॉइंट तो ये हमने जो उसकी कमियां हैं संश्लेषित रेशों की उसके बारे में बात की। तो इस प्रकार हमने तीसरे पाठ के पहले भाग के बारे में जाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे अपने साथियों के साथ साझा करेंगे और ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।